सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और दबाएं इस बेल को मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं एक और वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बेटा फिश की ब्रीडिंग के बारे में। तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या तरीका है, कैसे आपको ब्रीड लेनी है बेटा फिश से, तो ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, और यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी पैट्स के लिए, बर्ड्स स्पेशली बर्ड और फिश के लिए, टर्टल के लिए और बाकी और जानवरों के लिए भी टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा। तो फिर अभी करते हैं शुरू आज का वीडियो और पूरा ज़रूर देखना क्योंकि बाद में आपको कुछ और जानकारी मिलेगी जो ब्रीडिंग के बाद आपके लिए काम आएगी। तो बेटा फिश की ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले आप एक जगह बना लें और जो सादा पानी है उसे ले लें, और मैं इस टब में लेने वाला हूँ, और ये है बादाम का पत्ता, और ये जो बादाम का पत्ता है मैं इसे, ये जो पानी मैंने रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, ये 2 दिन पुराना पानी है और इसमें मैंने बादाम के पत्ते को रख दिया है और ये पूरे 24 घंटे के लिए मैं इसमें रहने दूंगा। जो भी बेटा फिश है हमारी, मेल को मैंने पहले छोड़ दिया था पानी में और दोनों जगह मैंने इस तरीके से रखा है, फीमेल को मैंने बॉटल में रखा है और मेल जो हैं आप देख सकते हैं घूम रहे हैं। तो ये मेरे पास 2 मेल हैं, एक रेड ड्रैगन है और दूसरा है ब्लू समुराई। तो दोनों की ब्रीड के लिए मैंने तैयार किया है, यहाँ पर सेम डे है और देखते हैं किसकी ब्रीड ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोनों मैंने लगा दिए यहाँ पर आपके सामने, ये है ब्लू समुराई और ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड ड्रैगन। तो ये अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हों को मैंने जब छोड़ा था और अभी करीब 4-5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर नेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। तो दोनों मेल जो हैं ब्लू समुराई और रेड ड्रैगन, आप देख सकते हैं मेल यहाँ पीछे की तरफ है। तो वो फीमेल के पास जा रहा है जितना हो सके, और यहाँ भी ये मेल फीमेल के पास ही है। तो बस अभी पहला दिन और आपके सामने प्रोग्रेस है जो भी है, और फिर कल सुबह देखता हूँ मैं, यानी कि अगले दिन सुबह क्या रहेगा, क्योंकि अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं। और ये पानी जो है ये वही है जिसमें मैंने ये पत्ता डाल रखा था, अभी यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया और 2 टब मेरे पास ये पड़े हुए थे तो दोनों में पानी को शिफ्ट कर दिया है। पानी जो है करीब 3 इंच के आसपास होगा, यानी कि इसकी जो लेंथ है, सॉरी हाइट, तो हाइट जो है इसकी 3 इंच के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब अगले दिन मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल हटा दी है और फीमेल को भी मेल के साथ रिलीज़ कर दिया है, और रिलीज़ करने से पहले फीमेल को आपको ये देखना है कि दोनों एग्रेसिव तो नहीं हैं, और अगर एग्रेसिव नहीं है तभी जाके आपको फीमेल को छोड़ना है मेल के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आपको शायद दिखने में छोटे लग रहे होंगे लेकिन ये एडल्ट हैं, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेल है और फीमेल जो है वो नेस्ट के नीचे पहुँच चुकी है, यानी कि इस पेयर में जो फीमेल है वो बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं नेस्ट के नीचे फीमेल बैठी है और वहीं पर ही घूम रही है। तो ये रेड ड्रैगन फीमेल है और आप देख सकते हैं कोई अग्रेसिव नहीं है, दोनों बिल्कुल आराम से एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं यहाँ पर। और ये दोनों टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हरकत हो रही है, दोनों में से कोई भी फिश एग्रेसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। और इनसे मैंने पहले भी ब्रीड ली थी जो सक्सेसफुल नहीं रही, और एक वजह ये भी है कि पेयर जो है उनकी बॉन्डिंग हो चुकी है। तो अभी जो ब्रीडिंग सेटअप है मैंने कुछ इस तरीके से कवर कर दिया है, यहाँ पर अंदर बबल नेस्ट है इस साइड भी, तो यहाँ पर डिस्टर्ब कम रहते हैं इस वजह से मैंने ऐसे रखा है। तो यहाँ पर मैंने अब
जो सेटअप लगाया है वहाँ पर मैंने थोड़ा डार्कनेस के लिए ऊपर से कवर किया है, जिस वजह से आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको फिश नज़र आएंगी। यहाँ पे ब्लू समुराई है और इस वाले टैंक में रेड ड्रैगन है, और आप देख सकते हैं जो फिश है वो नेस्ट के नीचे ही घूम रहे हैं, यानी कि उनकी मेटिंग हो रही है। क्योंकि जब मेटिंग हो रही होती है प्रॉपर और बार बार, तो फीमेल और मेल दोनों नेस्ट के नीचे ही रहते हैं या नेस्ट के बिल्कुल पास ही पास रहते हैं। क्योंकि फीमेल जब एग रिलीज़ करती है वो एग नीचे गिरते हैं, तो मेल जल्दी से जल्दी उन एग्स को उठा करके इन बबल नेस्ट में डालता रहता है। अभी आप देख सकते हैं आपको छोटी छोटी गोलियां नज़र आएंगी इन बबल नेस्ट में, ये सारे अंडे हैं जो रेड ड्रैगन फीमेल ने दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बबल के बीच में वाइट वाइट नज़र आएगा, छोटी छोटी गोलियां जैसा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्लू समुराई का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसने बबल बनाए हुए हैं, लेकिन बबल जो हैं बिल्कुल खाली हैं, कोई एग नहीं है यहाँ पर। और इसमें एग है तो आप देख सकते हैं इसका लुक ही अलग है, आप एग देख सकते हैं अंदर की तरफ। और ये कुछ टाइम के बाद मैंने दोबारा यहाँ पर वीडियो लिया है थोड़ा क्लोज लुक दिखाने के लिए, कि अभी आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर आपको वाइट एग नज़र आएंगे बबल के अंदर या बबल के साथ में ही। काफ़ी अच्छे से एग को रखा है रेड ड्रैगन मेल ने, क्योंकि देखिए जब फीमेल एग दे देती है एक बारी में, और मतलब एक दिन के अंदर अंदर जितने एग दे देती है उसके बाद फीमेल को सेपरेट कर दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। और इसमें जो पानी है वो बादाम के पत्ते वाला ही है जो मैंने ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया है इस टैंक में। तो यहाँ पर मैं मेल को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए जब एग दे देती है फीमेल और मेल सब एग को यहाँ बबल नेस्ट में रख देता है, तो मेल काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है अपने नेस्ट को। और ये देखिए ये बाहर तो आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद ही बबल नेस्ट के अंदर चला जाएगा, और वहाँ पर जैसे कभी कोई बबल फूटता है तो उसमें से अंडा नीचे गिरेगा, तो मेल उसे उठा करके दोबारा रखता है। और ये ब्लू समुराई है, यहाँ पर इनकी मेटिंग तो हो रही है लेकिन फीमेल ने एग रिलीज़ नहीं किए। और ये जो आपको दिखाई ये फूड है, तो ये देख सकते हैं आप लोग इनका नेस्ट, ये ब्लू समुराई का नेस्ट है जो कि बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई अंडा नहीं है। आप देख सकते हैं अंदर तक आपको अगर कुछ वाइटनेस नज़र नहीं आई कि जैसे आपको रेड ड्रैगन के नेस्ट में नज़र आई थी, तो यहाँ पर ये बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर ये अगले दिन का वीडियो है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितने भी एग दिए थे रेड ड्रैगन ने, इनमें से कुछ एग में आपको ये ब्लैक, कुछ एग में आपको यहाँ पर ब्लैक डॉट नज़र आएंगे, ये आँखें हैं, यानी कि एग सही हैं और बच्चा तैयार हो चुका है, मतलब तैयार हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी वाइट वाइट आपको दिखेंगे उनके बीच में आपको ब्लैक डॉट भी नज़र आएगा जो कि आँखें होती हैं बच्चों की। तो ये जितने भी वाइट वाइट आपको यहाँ पर एग नज़र आ रहे हैं सब में कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक भी नज़र आएगा आपको जो कि आँखें हैं। तो सबसे पहले फेस आंखें यही सब बनना शुरू होता है बेटा फिश के बच्चों का। और यहाँ पर ये क्लोज लुक आप ध्यान से देखिए, जितने भी अंडे दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, दो आंखें नज़र आएंगी आपको क्लियर। तो याद रखिए ये 24 घंटे के बाद का नज़ारा है, तो 24 घंटे में ही बच्चों की आंखें बननी शुरू हो जाती हैं। और ये पांचवा दिन, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई अंडा नहीं है। ये ब्लू समुराई का नेस्ट है। और ये रेड ड्रैगन का आप देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ छठे दिन नज़र आ रहा है, यानी कि करीब ये 48 घंटे से पहले पहले ही बच्चा इतना डेवलप हो जाता है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और ये मेल जैसा कि प्रोटेक्ट करता है हमेशा, तो ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इजीली मैं नहीं दिखा पाऊँगा
लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ मैं कि दिख जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इतने छोटे हैं कि इनको कैप्चर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी आपको यहाँ पर दिख तो रहा होगा, लेकिन अगर सामने की मैं बात करूँ तो सामने से देख पाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे ही कुछ और भी बच्चे मुझे नज़र आ रहे थे रेड ड्रैगन के नेस्ट में। तो अभी यहाँ पर एग जो थे बेटा फिश के, वो सारे हैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ बेबी नज़र आएंगे, लाल चींटियाँ जैसी होती हैं, उस साइज़ के हैं। और ये पूरे टैंक में घूम रहे हैं अभी। छोटे बच्चे कुछ आपको नज़र आएंगे, ये बहुत ही छोटे हैं, जैसा मैंने बताया कि चींटी के साइज़ के हैं। ये लाल चींटियाँ जो होती हैं, तो इतने छोटे साइज़ की वजह से दिखाना मुश्किल है। और ये मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको नज़र आ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं पे दिखेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सामने, तो लाल चींटी जो होती है उतना ही साइज़ है अभी बच्चों का। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे मुझे टैंक में दिख रहे हैं, जो कि शायद वीडियो में नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बच्चे सेपरेट किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और अभी आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये 48 से 72 घंटे के बीच में जो बच्चे का साइज़ होता है, ये वो है, यानी कि 2 से 3 दिन के। तो जो थोड़ा खुद से स्विम करने लायक थे, मैंने उन्हें सेपरेट कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेल कई बारी खा भी जाता है बच्चे, तो कुछ मैंने अलग कर लिए। और बाकी बच्चे अभी टैंक में ही हैं, और आपको दिखाने के लिए मैंने ये सेपरेट किए हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत ही छोटे हैं, फोकस भी नहीं हो रहा है उन पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस हो जाए। और ये नेक्स्ट डे, अभी यहाँ पर बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं, इजीली तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी है देखना उन्हें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मोबाइल के फोकस का इशू हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़े बहुत यहाँ पर बच्चे हिलते हुए भी नज़र आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि मैं पूरा शूट कर सकूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं बच्चे, तो इजीली शूट करने में नहीं आया। यहाँ पर अभी आपको इजीली दिख जाएंगे, और कईयों की शेड आपको भी नज़र आएगी। और अभी पूरे टैंक में मुझे बच्चे ही घूमते हुए नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर आपको भी शायद पहले से बेहतर नज़र आएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को 4 दिन हो चुके हैं। और इन बच्चों को मैं जो खाने के लिए देता हूँ, वो सिर्फ मैंने अर्टेमिया खाने के लिए दिया, क्योंकि मोइना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अर्टेमिया ही मैंने इन्हें खाने के लिए दिया। डे 4 के आसपास, मतलब 3 डेज के जब ये हो चुके थे, यानी कि 7 और 8 डेज के जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, उसके बाद से मैंने इन्हें अर्टेमिया देना शुरू किया। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये भी अर्टेमिया ही खा रहे हैं इस टाइम। बहुत ही कम नज़र आएंगे अभी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये 19 दिन के बाद मैंने एक सेपरेट टैंक में रख करके वीडियो लिया है आप लोगों के लिए। और अभी भी इनकी जो खुराक है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्टेमिया है। तो ये 19 दिन का बच्चा है, और इसका साइज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपने गप्पी के बच्चे देखे हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, बिल्कुल पहले दिन के होते हैं गप्पी के बच्चे, ये उनके जितने हैं और उनसे भी छोटे हैं कुछ। और क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है, कुछ की थोड़ा कम होती है। तो अभी जो आपने देखा था, वो थोड़ा बड़ा था, और वो गप्पी के बच्चे से भी थोड़ा छोटा था, लेकिन कह सकते हैं कि गप्पी के बच्चे के बराबर ही है। लेकिन बाकी और जो हैं, वो इससे भी छोटे हैं, आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ टैंक में दिख जाएंगे।
तो याद रखिए, जो ब्रीडिंग होती है, कहने के लिए कुछ लोग बोलते हैं बहुत इजी है, लेकिन कई बारी क्या होता है, पानी की क्वालिटी सही ना होने से प्रॉब्लम हो जाती है और जो ब्रीड जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो ऐसे इशू आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्राई करते रहो। ये मैंने भी सेकंड टाइम में जो ब्रीड ली है ये उसी का रिज़ल्ट है। फर्स्ट ब्रीड में कुछ भी नहीं मिला था, अंडे ख़राब हो गए थे, लेकिन ये सेकंड ब्रीड है जिसमें अभी मेरे पास करीब 80 से 100 के आसपास बच्चे हैं, तो वो अभी यहाँ पर, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मैंने रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से आपको ब्रीड लेनी है और जब बच्चे तैयार हो जाएं उनको क्या करना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ अब। तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा, आर्टेमिया एग होते हैं ये, जो श्रिम्प होता है उसके अंडे होते हैं इसमें कैप्सूल में। तो एक कैप्सूल में काफ़ी सारे अंडे होते हैं, मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में अंडे होते हैं इस एक कैप्सूल में। तो ये आपको तैयार करना है। जब आप देखेंगे कि फ़िश के जो बच्चे हैं उनकी आंखें बननी शुरू हो गई हैं अंडे में, तो उसी दिन आपको एक कैप्सूल निकाल करके 1 लीटर के आसपास पानी लेना है और उसमें नमक मिला करके, और जो पत्थर वाला नमक आता है, सी सॉल्ट जिसे बोला जाता है, वो अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस नमक में आपको 1 चम्मच वो नमक और 1 लीटर के आसपास पानी और 1 कैप्सूल, तो ये आपको मिलाना है सारा। और 2 दिन में ये हैच होने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो 24 घंटे के बाद ही हैच होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 48 घंटे में यानी कि 2 दिन में लगभग ये 60-70% हैच हो जाते हैं, और तीसरे दिन में जितना मैक्सिमम भी नहीं होना होता है हैच, वो हो जाते हैं। आप लोग फीड करवा सकते हैं करीब 4 से 5 दिन के बाद बेटा फिश को। तो ये चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ये बादाम का पत्ता है, तो ये भी अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि ब्रीडिंग के लिए और नॉन ब्रीडर पेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आपका अगर फिश जो है वो ब्रीड करवा रहे हैं आप, तब भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं करवा रहे तब भी यूज़ कर सकते हैं। पानी की क्वालिटी को अच्छा रखता है ये पानी, थोड़ा येलो कलर का हो जाएगा, पीले रंग का पानी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी परफेक्ट रहता है। ये बादाम का पत्ता है, तो ये अभी फोल्ड हुआ है, तो ये सब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो। तो फीडिंग के लिए बच्चों के लिए ये आपको, ये समझ लीजिए, 1 पत्ता अगर आप लेते हैं और 1 पेयर से आप लोग ब्रीड ले रहे हैं, तो 1 आर्टेमिया जो कैप्सूल है उससे 1 पेयर के बच्चे को कम से कम आप 4 से 5 दिन फीड करवा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है क्वान्टिटी के ऊपर, अगर क्वान्टिटी ज़्यादा है बच्चों की तब भी 4 से 5 दिन ये 1 कैप्सूल चलेगा, और अगर क्वांटिटी कम है तो ये समझ लीजिए ये 1 हफ्ते तक आपका 1 ही कैप्सूल आराम से चल जाएगा या उससे भी ज़्यादा चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी फिर कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू अगेन।